नमस्कार, आज हम लोग एलजी माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे इंस्टेंट ट्राई कलर कुकीज। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो बता देती हूँ। 1.5 कप मैदा लिया है मैंने और 1 कप पीसी हुई चीनी है, 75 ग्राम्स घी है, ये एसेंस है वनीला एसेंस टेस्ट के अनुसार, और ये ग्रीन और ऑरेंज कलर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैंने घी और 10 शुगर को लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर तब तक जब तक कि ये क्रीमी हो जाए। ये डो हमारा क्रीमी हो गया है फ्लफी। अब हम इसमें अपना मैदा और बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा को डाल के अच्छे से एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। इसमें मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर और खाने वाला सोडा को डाल चुके हैं। अब इन सारे को मिला के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस तरह से मसलना पड़ेगा इसे पाम से और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये बिस्किट का डो हमारा, कुकीज का डो रेडी हो गया है, ये सॉफ्ट डो बन गया है। अब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे। हमने अपने कुकीज के डो को 3 भागों में बांटा था और उसमें ये कलर ऐड किया, तीनों कलर व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज। कुकीज हमारा माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बनेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ओवन को प्रीहीट कर रहे हैं। जब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है तब तक मैं कुकीज के डो को इस प्रकार से रोल कर रही हूँ। ये ऑरेंज वाला पार्ट है, इसे भी मैं रोल कर रही हूँ। ये व्हाइट वाले पार्ट को भी मैंने रोल कर लिया। अब हम कुकीज को ट्राई कलर देने के लिए इस प्रकार कलर देंगे, बीच में व्हाइट और ऊपर नीचे ऑरेंज और ग्रीन रखेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए एक रोल तैयार करेंगे। ये हमने तीनों कलर के डो को इस प्रकार से मिला लिया है। अब हम इसे कुकीज के लिए इस प्रकार काटेंगे। ये हमारा माइक्रोवेव का मल्टी कुक तवा है, इसको मैंने ऑयल से ब्रशिंग किया और इस पे हम कुकीज को प्लेस कर देंगे। हम अपना ट्राई कलर कुकीज को प्री हीटेड ओवन पे, जिसको कि मैंने 180 में प्री हीट किया था, ये लो रैक के ऊपर रखकर हम 17-18 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। ये हमारा कुकीज हो चुका है। अब हम इसे सावधानी से, ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट ट्राई कलर कुकीज 17 मिनट्स में माइक्रोवेव ओवन में बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, रेडी है हमारा ट्राई कलर इंस्टेंट कुकीज एलजी माइक्रोवेव ओवन में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।